वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम एक फोटो सेल जो कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करती है। तो फोटो सेल के मुताबिक हम स्टडी करेंगे कि जब इस पे पड़ने वाली लाइट की इंटेंसिटी यानी शिद्दत को चेंज किया जाए तो उसकी वजह से फोटो सेल की मदद से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक करंट में कितनी कमी या कितनी ज्यादती आती है। तो इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखें कि हमें क्या क्या एपरेटस यानी क्या चीज़ें चाहिए होंगी प्रैक्टिकल करने के लिए। फिर हम इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे जिसके दौरान में हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे और उनकी मदद से जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट में इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से वेरी कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ जब हम एक फोटो सेल यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या एपरेटस चाहिए होगा। सबसे पहले हमें फोटो सेल एपरेटस चाहिए होगा जो कि लैब्स में मौजूद होता है, और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हमारे पास ये ब्लू कलर का एक वुडन बॉक्स मौजूद है जिसके एक तरफ इस तरह से फोटो सेल लगा हुआ होता है और उसके दोनों टर्मिनल्स बाहर की तरफ मौजूद होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं जिनको मैं इनसर्कल कर रही हूँ, जिनमें से एक कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। इसके अलावा इस एपरेटस के ऊपर मीटर रूलर लगा हुआ होता है जिसकी मदद से मेजरमेंट्स ली जा सकती हैं, और साथ ही साथ इस बॉक्स के ऊपर एक स्लाइडिंग बोर्ड भी मौजूद होता है जिसके साथ इस तरह से एक बल्ब लगा हुआ होता है। जब उस बोर्ड को हम आगे पीछे मूव करते हैं तो इस बल्ब को हम इस फोटो सेल की तरफ भी ले जा सकते हैं और इससे दूर भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से जब हम इस बल्ब को ऑन करते हैं और इसको इस स्लाइडिंग बोर्ड की मदद से आगे पीछे मूव करते हैं तो यूं हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज कर सकते हैं। तो इस अपरेटस के अलावा हमें चाहिए होगा माइक्रो एमीटर और टू वे की, और इनके अलावा हमें अपरेटस में चाहिए होगा सैंड पेपर और कनेक्टिंग वायर्स। तो इसके बाद हम प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इन कनेक्टिंग वायर्स को सैंड पेपर की मदद से साफ कर लेंगे, यानी कि इनके जो ये वाले एंड्स हैं इनको सैंड पेपर की मदद से साफ कर लेंगे ताकि इनके ऊपर कोई इंसुलेशन ना रहे और हमारी मेजरमेंट्स में कोई एरर ना आए। इसके बाद हम प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक एपरेटस को जोड़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फोटो सेल मौजूद है और यहाँ पे बल्ब मौजूद है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास फोटो सेल के अपरेटस में मौजूद हैं। इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस अपरेटस के साथ यहाँ पे माइक्रो एमीटर लगाया गया है। तो यहाँ पे हमने ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारे पास फोटो सेल अपरेटस की तरफ से पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, यानी कि यहाँ से फोटो सेल का जो एनोड वाला टर्मिनल है उसको हमने माइक्रो एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है। इसके बाद एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को हमने टू वे की के एक टर्मिनल के साथ जोड़ना है, और फिर टू वे की के दूसरे टर्मिनल को हमने फोटो सेल अपरेटस के नेगेटिव टर्मिनल यानी कि फोटो सेल के कैथोड वाले टर्मिनल के साथ अटैच कर देना है। तो यहाँ पे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास फोटो सेल के अंदर की तस्वीर है जहाँ पे ये फोटो सेल बना हुआ है, ठीक है। और इसके बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो नॉब्स मौजूद हैं जिनमें से ये वाली जो नॉब है ये एनोड है और दूसरी कैथोड है। एनोड को हमने माइक्रोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया है, और इसके बाद हमने माइक्रोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को की के एक टर्मिनल के साथ लगाया है, और हमने की का जो नॉब है वो निकाला हुआ है, और की का जो दूसरा टर्मिनल है उसको फिर हमने आगे फोटो सेल के कैथोड वाले टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया है। अभी इस वक्त हमने टू वे की नॉब भी निकाली हुई है, और साथ ही साथ अभी हमने जो बल्ब है फोटो सेल एपरेटस के अंदर जो मौजूद है उसको भी ऑफ रखा हुआ है, यानी कि अभी उसको ऑन नहीं किया। अब इसके बाद हमने टू वे की जो नॉब थी उसे भी इंसर्ट कर देना है ताकि हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हमने फोटो सेल एपरेटस के अंदर मौजूद बल्ब को ऑन कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फोटो सेल के ऊपर स्लाइडिंग बोर्ड होता है जिसके नीचे हमारे पास बल्ब मौजूद होता है वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, और यहाँ पे आप उस बल्ब की वायर भी देख सकते हैं। तो इसके बाद हमने इस बोर्ड को आहिस्ता आहिस्ता से मूव करना शुरू करना है फोटो सेल की जानिब, यानी कि हम ग्लो करने वाले बल्ब को आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं फोटो सेल की जानिब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती जा रही है। तो हमने ये करना है कि हमने
जो फोटो सेल और बल्ब के दरम्यान में मौजूद डिस्टेंस है उसको हमने फोटो सेल अपरेटस के ऊपर लगे मिरर स्केल की मदद से रीड करना है, और साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पे हमने माइक्रो एमीटर में करंट की वैल्यू भी यहाँ से रीड करनी है, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे डिविजन्स आ रही हैं उनको हमने रीड करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस को कम करते जा रहे हैं तो वैसे वैसे हमारे पास जो फोटो सेल की मदद से प्रोड्यूस होना वाला करंट है वो भी इंक्रीज करता जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने इन वैल्यूज को नोट किया है कि मैंने सबसे पहले लैंप का जो डिस्टेंस रखा फोटो सेल से वो मैंने 80 सेंटीमीटर रखा, जिसे मैंने डी से डिनोट किया है, और इस डिस्टेंस पे जो मेरे पास माइक्रो एमीटर में डिफ्लेक्शन आ रही थी जो कि माइक्रो एम्पेयर के यूनिट्स में आई थी वो मेरे पास आई थी 25 माइक्रो एम्पेयर, जिसको मैंने थीटा से डिनोट किया है। इसके बाद मैंने 1/d² कैलकुलेट किया है जो कि है 156.25 × 10⁻⁶, यानी कि ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर के यूनिट्स में मेरे पास वैल्यू आई है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो इंटेंसिटी है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है डी स्क्वायर के साथ, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस कम करते जाते हैं फोटो सेल और बल्ब के दरम्यान में, तो वैसे वैसे इंटेंसिटी लाइट की इंक्रीज करती जाती है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा रिलेशन ये होता है कि इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है डिवीजन के साथ, यानी कि जो हमारे पास डिफ्लेक्शन आती है माइक्रो एमीटर के अंदर उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी लाइट की वैसे वैसे हमारे पास माइक्रो एमीटर में जो डिफ्लेक्शंस आ रही हैं उनकी वैल्यू भी इंक्रीज करती जाएगी। तो इन दोनों रिलेशंस के थ्रू हमें पता चलता है कि जो थीटा है उसका भी इन्वर्स रिलेशन है डी स्क्वायर के साथ, यानी जैसे जैसे हम डिस्टेंस को कम करते जाएंगे फोटो सेल और बल्ब के दरम्यान में तो वैसे वैसे हमारे पास माइक्रो एमीटर में जो डिफ्लेक्शन आ रही है उसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। तो इसके बाद मैं फोटो सेल और बल्ब के दरम्यान में डिस्टेंस को कम करती गई और करस्पॉन्डिंग माइक्रो एमीटर के अंदर डिफ्लेक्शंस को नोट करती गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे लैंप का फोटो सेल से डिस्टेंस कम होता जा रहा है वैसे वैसे माइक्रो एमीटर पे शो होने वाले करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 1/d² और थीटा के दरम्यान में ग्राफ प्लॉट किया है, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने 1/d² को लिया है जो कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर के यूनिट्स में है, और इसमें 1 बॉक्स इक्वल है 25 × 10⁻⁶ पर सेंटीमीटर स्क्वायर के, और वाई एक्सिस पे मैंने माइक्रो एमीटर पे शो होने वाली डिफ्लेक्शंस को प्लॉट किया है जिसमें 1 बॉक्स इक्वल है 5 डिविजन्स के, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वल है 5 माइक्रो एम्पेयर्स के। तो इस ग्राफ के जरिए से हमें पता चलता है कि जो थीटा है उसका लीनियर रिलेशन है 1/d² के साथ, यानी कि जैसे जैसे हम डी को कम करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज करती जाती है। तो आई होप सो कि आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने एक फोटो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की वेरिएशन देखी है कि कैसे लाइट इंटेंसिटी के चेंज होने पे उसकी मदद से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक करंट में चेंज आता है।